मटर की फसल में ऐसा कौन सा खाद डाला जाए जिससे मटर की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटान आए, ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ आए। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थाकड़ एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो पर हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, मटर की फसल में ज़्यादा फुटान लाने के लिए कौन से खाद का उपयोग किया जाए। मटर की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर किसान भाई करते हैं, लेकिन अधिकतर किसान भाई इसके बारे में जानकारी नहीं ले पाते हैं, उनको जानकारी नहीं हो पाती है कि मटर की फसल में फुटान बढ़ाने के लिए, मटर की अच्छी ग्रोथ के लिए कौन से पोषक तत्व का उपयोग किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम वो सभी डाउट क्लियर करने वाले हैं और आपको एक बहुत ही शानदार जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक कम्प्लीट देखिए ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। जो किसान भाई हमारे YouTube चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको चैनल पर नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं मटर के बारे में। तो बहुत सारे किसान भाइयों ने अगेती मटर की बुआई की थी और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो अब मटर की बुआई करने वाले हैं। ऐसे में जब आपके मटर की फसल एक महीने के आसपास हो जाती है, मतलब कि 30 दिन के आसपास आपकी मटर की फसल हो जाती है, तो उस टाइम पर मटर की फसल में पहला खाद डालने का समय आ जाता है। किसान भाइयों, मटर की फसल में जब पहले खाद डालने का समय आता है तो उस समय पर आपको कुछ ज़रूरी काम करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले उन्हीं कामों के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, मटर की फसल में भी खरपतवार की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जब मटर की फसल 25-30 दिन के आसपास हो जाती है तो उस समय पर सबसे पहले तो आप मटर में खरपतवार नियंत्रण करें, निदाई गुड़ाई करें, किसी भी खरपतवार नाशी दवा का उपयोग ना करें। आप हाथों से निदाई गुड़ाई करें, खरपतवार को कंट्रोल करें, उसके बाद में आपको खाद डालने की आवश्यकता होती है। ऐसे में आप 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लें, साथ ही जिस खाद के बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले थे वो खाद आपको लेना है, वो है PI कंपनी की बायोविटा दानेदार। किसान भाइयों, PI कंपनी की बायोविटा दानेदार जो आती है इसके अंदर लगभग 60 प्रकार के पोषक तत्वों का सम्मिश्रण पाया जाता है। यह समुद्र के नीले हरे शैवालों से भी बनाई जाती है। इसके अंदर हमारी फसल के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण होता है। तो आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बायोविटा यूरिया खाद के साथ में मिला लें। खरपतवार नियंत्रण के बाद में यूरिया और बायोविटा दोनों को एक साथ में मिक्स करें और अपनी मटर की फसल में डाल दें। उसके बाद में सिंचाई करें। किसान भाइयों, अगर आप यह काम 25-30 दिन की स्टेज पर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मटर की फसल एक बहुत ही शानदार ग्रोथ करेगी। आगे जाकर आपको पैदावार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आप यह काम समय पर कर लेते हैं तो आपका उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही मुख्य जानकारी देने वाले थे। तो उम्मीद रहेगी आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।